Ganga is a very important river for the country. Biggest environmental pressure is, of course, the pollution. Due to increasing threats, human dependency upon riverine ecosystem, many of the species are in endangered category. खेती बाड़ी की जो पद्धति है उसको बदलना चाहिए, बदलने की ज़रूरत है। 2014 is a turning point in the history of Ganga rejuvenation and treatment. People never thought that Ganga water can ever be clean. It will be a major path-breaking event in the history of India. जब हमने पहला सर्वे हमारा शुरू किया था, पोल्यूशन लोड, फिशिंग प्रेशर, रिवर बेड एग्रीकल्चर यूजिंग फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा था। उस दौरान हम लोकल कम्युनिटी से भी बात करते थे कि रिवर के बारे में, उस टाइम लोगों में जागरूकता की कमी थी। नमामि गंगे के अंतर्गत जब ये प्रोजेक्ट को शुरू की गई तो डॉल्फिन को एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज मानते हुए हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन की तरफ जो हमारी कदम थी उसको आगे बढ़ाया है। The Ganga River Basin is not only home to 25,000 animal and plant species, such as the Ganga River dolphin. It also forms the spiritual and economic lifeline for almost half of India's population. Spreading across a quarter of the country's landmass, the Ganga contributes to an astounding 40% of the nation's gross domestic product. But the country's greatest natural asset is at risk. Maybe last 20-25 years, we found that the water quality has come down drastically. The increase in urbanization and increase in the flow of dirty water into the river and large-scale abstraction of water for irrigation purposes was one of the main reasons. The industries on the banks were letting out untreated water into the river. That's where the vacant call came in. So in 2014, they came out with a very comprehensive action plan for the rejuvenation of the river. An action plan with the mission to invest $4 billion in restoring the river ecosystem. जो major loopholes हमें दिखा था, वो ये है conservation के लिए जो local communities है, ज़्यादातर fishing community, उनको हमने aware किया किस तरह से dolphin हमें मदद कर रही है, वो सारी चीज़ें हमने उनको समझाया। और इसका रिजल्ट भी हमें दिखने लगा है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को हम लोग जब सेंसिटाइज किए, उसके बाद जब उनके जाल में डॉल्फिन कभी भी फंसा हुआ है, उन्होंने डॉल्फिन को सेफली फिशिंग नेट से या फिशिंग गियर से रेस्क्यू करके वापस वाइल्ड में रिलीज किया है। Under the Namami Ganga program, a people-river connect has been established. And this is no longer a government program, it is a people's movement. Agriculture is the major source of income for most of the rural population in the basin. It is also the largest consumer of water. किसान के लिए पानी अमृत के समान है और बिना इसके जीवन संभव नहीं है। हर काम जहाँ शुभ कार्य है वहाँ गंगा के जल का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के परिवेश में जो गंगा में कीटनाशक और फर्टिलाइजर जा रहा है उसका बहुत मतलब बुरा असर पड़ रहा है।
up to 15% of nutrients added to the soil by fertilizers eventually find their way into the water system, and so do harmful chemicals. That's why restoring the river means restoring organic or natural farming practices. मैं शिमला मिर्च की फसल लगाने जा रहा हूँ। जुताई करने के बाद जो मेरा डिस्टेंस एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 4 फीट है और इसमें मैं एक प्राकृतिक खेती का नेचुरल पदार्थ है घन जीवामृत कह सकते हैं या कंपोस्ट खाद कह सकते हैं ये मैं एक प्रक्रिया के तहत इसमें ऐसे बिखेरता हूँ अभी मैंने खाद इसमें दे दिया है तो इसको पौध ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले एक हल्की सी पाटा से हम इसको समतल करते हैं ताकि जो उबड़ खाबड़ की जो मिट्टियाँ हैं वो समतल हो जाएँ उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं पिछले एक वर्ष से मैं नेचुरली खेती पे आ गया हूँ तो अब समय समय पे हमारे यहाँ किसान आते रहते हैं तो हम लोग उनको समय समय प्रशिक्षण भी देते रहते हैं तो हम बेसिकली 3 कैटेगरी पे काम करते हैं बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस कोई भी स्पीसीज रिवर पे है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो वाटर क्वालिटी है उनकी हैबिटेट प्रेफरेंस को वो हो सकता है कि एनहांस कर रहा हो 11 o'clock पे हमें 2 sightings मिली है डॉल्फिन की तो वाटर पैरामीटर हमें नोट डाउन करना है तो YSI से ले लो और मैं GPS का लोकेशन ले रहा हूँ अभी बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी अप्रोच है रिवर कंजर्वेशन के लिए अगर हम बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से मैप करते हैं तो उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड हैबिटेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी रेस्टोरेशन में हेल्प करता है वी आर ऑल्सो नाउ प्रमोटिंग natural based solutions like wetlands and constructed wetlands restoration of wetlands is a very important initiative because we require flow water to ensure that the biodiversity is returned and they thrive the third important intervention is afforestation in a big way and all the catchment area throughout the Ganga basin almost 40,000 hectares of land has been treated with the plantations All these things have resulted in very major improvement in the quality of water, as well as return of biolife to a large extent in the river. मिट्टी में तो काफी परिवर्तन आया है, जैसे कि पहले केचुआ वगैरह नहीं दिखाई देते थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को देखने पे, मिट्टी कलर को देखने पे काफी अच्छी बदलाव उसमें आया। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं हमारे समाज में, उसका अगर निदान कहीं से हो सकता है, तो वो अपनी खेतीबाड़ी को परिवर्तित करके ही हो सकता है। जिस तरह से स्थानीय समुदाय ने डॉल्फिन को कंजर्वेशन का एक पिलर मानते हुए अपनी भागीदारी कंजर्वेशन के लिए बढ़ाया है मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है द बिगेस्ट लर्निंग दिस नमामि गंगे प्रोजेक्ट गिव्स इज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल ओवर 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर हैव बीन रिस्टोर्ड दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ 42,000 फुटबॉल फील्ड्स And an estimated 1,500-kilometer stretch of river has been rejuvenated. By 2030, the initiative is expected to enhance the income of 2 million households.